बहुत टेस्टी बनी है, इतनी टेस्टी ना, नेचुरल टेस्ट है इसमें। वो धनिया भी दस, ये रहे मुंगरे, भूगला पर सचवा। हाँ जी बन गई, ये देखिए आटा जो है अब तैयार हो गया है, फूल के डबल हो गया। इसमें डाला था, ईस्ट डाला था ना, बेकिंग पाउडर ईस्ट डाला था। बाकी सारी सामग्री तैयार है, वो देखिए ये रही है इसके अंदर की फिलिंग, बाकी सूखा आटा, बाकी ये रहे नानी जी, ये रही शानवी, और ये रही प्रियंका, और वो रही कढ़ाई, और ये रहा हमारा चूल्हा, और ये रहा चूल्हा जो कि जल चुका है, चिमटा। साथ में लकड़ियां भी हैं, बीच में जरूरत पड़ती जाएगी तो लेते हो। शान बाल 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 छोड़ दो, मैं करती। हाँ जी, ये शान भी गड़ना लगी नानी, इस जवाई जाएंगे गड़ना ना, ये साई है शान भी आज गड़ने ना, ये लगी गड़ने। और ये रहा मौसम व्यू, ये देखो जी देसी बनास्ती सब्जियां लाई है मम्मी, जिसमें सबसे पहले है मूंगरे, ये रहे मूंगरे, सख्त लग रहे होने ना, धनिया लग पाया स्वाद, और साथ में ये है डेवरू, ये नहीं है डेवरू मम्मी, क्या बोला है और क्या कहता नहीं हो मम्मी, अच्छा सर्च मार गया हूँ इतने पर, गूगला पर, गूगला पर सर्च मार, इसके बाद घर में आ गया एक नया मेहमान, मतलब कि ये जो स्पीकर आप देख रहे हो, तो बस गाने बजने की वाणी का डांस हो गया शुरू, सब लोग बहुत इंजॉय करने लग गए। भाई घर में कोई भी नई चीज़ आती है ना, तो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता ही है, लेकिन बड़े भी कहीं ना कहीं बच्चों की तरह बच्चे ही बन जाते हैं। तो हम सब बस बैठ गए और बारी बारी फिर सब ने ही डांस किया, लेकिन मैंने बस यहीं पे क्लिप बनाया था। इसके साथ ही फिर हमने किया डिनर और आ गए घर की तरफ। ठीक है नानी, बाय बाय, बाय बाणी, बाय। हाँ जी, हाँ जी, चले जी चले, खोले थे दरवाजे। हाँ जी मिठू बाय, बाय बाय, टाटा कर दो। ए छिल रहे हैं मुंगरे, हेलो गाइस, सो हम छिल रहे हैं मुंगरे, मुंगरे हम, अब हम मुंगरे की सब्जी बनाएंगे, मुंडी की टुंडी, मुंगरे की टुंडी, और मुंडी ऐसे मुंगरा है ना, इसकी टुंडी निकालेंगे, फेंक देंगे इसको, बीच तोड़ेंगे और डाल देंगे, मुंगरे की टुंडी निकाल देंगे। ये आ जाओ, थोड़ा सा मिट्टू भी हमारी हेल्प कर रहा था, लेकिन अभी ये वीडियो बना रहा है ना, थोड़ा आगे आके लेके दिखाए मिट्टू, ये देखो ऐसे ना, ये है मुंगरा, इसका ये वाला पार्ट और ये निकाल के इसको बीच से तोड़ के ऐसे करके डाल देंगे, और फिर इसकी सब्जी बनाकर खाएंगे, आलू डाल के, और आलू भी है, है भी आलू, आलू भी है, आलू क्यों नहीं होंगे पता नहीं, बाकी थोड़ा सा मौसम की तरफ वो करें, सुबह मॉर्निंग का, ये देखो मॉर्निंग में इतना अच्छा मौसम है, साढ़े दस हो गया, और देखो कितनी ज्यादा धूप लग चुकी है, मॉर्निंग नहीं 9 बजे के आसपास का टाइम है, मुझे याद दिलाना है, एक घड़ी ऑर्डर करनी पड़ेगी, और क्लॉक, क्लॉक अलार्म क्लॉक भी, अलार्म क्लॉक नहीं, अलार्म की जरूरत नहीं थी, तो फोन पे लगा सकते हैं। अच्छा, और कल से अब हमारी छुट्टियां ओवर हो रही है, तो कल से हम स्कूल जाएंगे नई क्लास में, मैं हो जाऊँ, मैं 7th में हूँ, मैं 5th में, जो भी कैमरा मैन 5th में हो चुका है, कैमरा मैन के बोर्ड का एग्जाम है, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा और बर्डन है, नहीं बर्डन तो तेरे ऊपर है ज्यादा ना, 7th की पढ़ाई बहुत टफ होती है, मेरे को बोर्ड बोर्ड, मेरे को बोर्ड बोर्ड बहुत इजी होता है, 6th की क्या पढ़ाई कम थी जब 7th में, भाई बोर्ड बहुत इजी होता है, इजी तो होता है, इस बार भी मिठू ने अच्छी परसेंटेज ली है इसके, इस साल इस 97 और मेरी 94 है। अच्छा जी,
ठीक है, बाय बाय सयो, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं बना रही हूँ ये मूंगरे की सब्जी। लोकल में मतलब हम इसे मूंगरे बोलते हैं, जो मूली के पौधे पे लगते हैं। और फिर मैंने जी सबसे पहले तो ऑयल में थोड़ा सा हींग डाला था और प्याज डाला था। जीरा कई बार मिट्टू के दांत में फंस जाता है ना, तो वो फिर खाना नहीं खाता, बोलता है कि जीरा है सब्जी में, मेरे दांत में लग गई। तो इस करके मतलब सबका ध्यान रखना पड़ता है ना, तो वो अवॉइड ही करते हैं। उसका पाउडर बना करके हम फिर मसाले में ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू भी इसी ऑयल में पका लिए थे। फिर मुझे लग रहा था कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैंने ऑयल को इस तरह से स्पून की मदद से उठा लिया। वैसे भी जो मतलब ऑयल में पकनी थी ना चीज़ें, तो वो पक गई, मैं क्या इसको अब हटा लेती हूँ। फिर नहीं तो जनाब भी गुस्सा करेंगे कि अच्छा आज तो ऐसे तो भी मैं ही डालता था, तब तो बड़ा बोलती थी और आज खुद इतना सारा ऑयल डाल दिया। पता नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा शायद, क्योंकि कढ़ाई बड़ी वाली है ना ये तो। और बस फिर ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। मसाले कुछ नहीं, हल्दी डाली थोड़ी सी, लाल मिर्च। और देखिए आप, लाल मिर्च जो हम खाते हैं ना, देगी मिर्च स्पेशली, तो एकदम से डालते ही सब्जी का पूरा कलर ही रेडिश सा हो गया, तो नहीं खानी चाहिए। पर मेरे लिए भी रिस्क था, क्योंकि ये लोग फिर खाते नहीं है कि अच्छा कलर नहीं है, अच्छा ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा मसाला भी डाला। और वैसे भी जो घर की नेचुरल सब्जियां होती है ना, ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, तो ये सबको खानी चाहिए। फिर ये लग जाएंगे ड्रामा करने, इसलिए मैं क्या ठीक है जैसे तैसे भी है, बस खा ले सारे के सारे। तो बस फिर ये एंड में इनकी तरह ही मैंने भी आज ग्राइंड करके टमाटर ऐड कर दिए। ऐसे में काट के डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन फिर इनके हिसाब से मैंने सब्जी बनाने की कोशिश की। और बस फिर ये टमाटर को अब थोड़ी देर पकने दूंगी, ताकि बिल्कुल महक इसकी ख़त्म हो जाए। अभी सब्जी को मैं धोने लगी थी, तभी देखा कि टैप में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या अब टंकियाँ चेक करनी पड़ेंगी। व्हील खोल दिया था, बट पता नहीं अब शायद आया नहीं होगा पानी। तो फिर गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया, और फिर जा रही हूँ अभी छत के ऊपर टंकियों को देख के आती हूँ। वैसे तो ये सारे काम जनाब के होते हैं, जैसे मतलब पानी आया तो चेक करना टंकियों में कि भर गई कि नहीं भरी, लेकिन आज वो गए हुए हैं गाड़ी की रिपेयर कराने, तो फिर आज सारे काम मतलब मैं ही कर रही हूँ उनके हिस्से के भी। फिर होता है कभी कभी कि सारी चीज़ें फिर ना मतलब ऐसा लगता है कि भाई सारा कुछ आज ही होना था, तो वो वाला चक्कर है। ऐसे मतलब टंकियों में भी कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज अचानक से फिर देखा ये वाली जो टंकी थी इसमें पानी था, लेकिन जो दूसरी टंकी थी उसमें पानी नहीं था, जो मतलब कि किचन के लिए सप्लाई जाती है ना। तो मैंने यहाँ से फिर व्हील खोल दिया और फिर जा कर के पहुँची, फिर आया जी पानी, तो सब्जी को धुला और फिर जी डाल दी ये तड़के में। और मैं मतलब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करके गई थी, और ये जो हैवी तले वाली कढ़ाइयाँ होती है ना, तो इनमें सब्जी जलती नहीं है कभी भी, अगर फ्लेम लो पे है तो, और बनती भी बड़ी टेस्टी है, तो मुझे ना अच्छा लगता है। मतलब एक तो खुला सा स्पेस होता है जैसे कड़छी हिलाने के लिए, तो मुझे अच्छी लगती है मतलब इसमें सब्जी पकाना। मौसम ऐसा हुआ है, दिन का टाइम है, और यहाँ पे मम्मा झीले में बैठी हुई है। क्या कर रहे हो? देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, वेट कर रहे हैं पापा के आने का, खाना खाने ना, लंच टाइम हो रहा है। ओके, कहाँ गए हैं? गाड़ी ठीक कराने। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई है। ओके, अब देखते हैं कि मरीद कहाँ है, चलते हैं। देखो मिठू की साइकिल है, दिस इज माय साइकिल। अब अंदर की ओर चलते हैं कि मृदुल कहाँ कहाँ है। ये देख सकते हो मृदुल का कुछ हाल। क्या कर रहे हो? फोन देख रहा हूँ। देखो यही सब देखो बेटे, पढ़ाई नहीं करनी क्या? कल से स्कूल है। कल से वो आज से थोड़ी ऐसे बोलते हैं, कल से तो हमारे स्कूल है, छुट्टियां ओवर हो गई, हॉलीडे होमवर्क। हिंदी नया सेक्शन है ना, नहीं होता मजाक। तो हमको देखिए, हेलो गाइस, ये रहे हम। क्या करें, कुछ है नहीं करने को छुट्टियों में,
लेकिन कल से हमको तो स्कूल जाना है लेली, क्या करें, बाय बाय। तो ऐसा ऐसा चल रहा है आज घर पे, दिन में तेज़ धूप होती है ना, और आज जनाब नहीं है घर पे, तो हम सब अपने घर के कामों में लगे हुए हैं। शानू मिट्टू को मैंने बताया था कि अपने रूम की सफाई करो, और ये एक और सब्ज़ी बन रही है, इसकी रेसिपी मैं आगे आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जनाब से भी मिलवा लेते हैं। तो ये देखिए, ये चली हुई है इनकी गाड़ी की रिपेयर, और ये रहे मेरे जनाब। तो आज इनका पूरा दिन लग गया गाड़ी की रिपेयर में ही। एक्चुअली कोई नट अंदर फंस गया था ना, और वो टूट गया था अंदर ही, तो फिर उस चक्कर में मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, फिर वो नट फिर इसकी मदद से, वेल्डिंग की मदद से निकालना पड़ा, मैंने निकाला कि फ़िक्स किया, कुछ ऐसा सा हुआ। और ये देखिए जी, ये बन रही है गुल्लर की सब्ज़ी। एक्चुअली जब इसको तोड़ते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा दूध निकलता है और वो चिपक जाता है इसी के अंदर, तो मैंने इसको नमक और गर्म पानी में अच्छे से धोया, फिर डाल दिया मैंने इसको बॉईल करने के लिए। और बॉईल करने के बाद ये देखिए, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रह जाता है ना थोड़ा बहुत, तो उसको भी मैं इस तरह से हाथों से दबा दबा करके निकाल लूँगी, और यहीं पे इसको थोड़ा थोड़ा सा हाथों की मदद से क्रश कर दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 सीटी में ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाता है। और अभी तो शुरुआत है, मतलब इसकी निकलना शुरू हुए हैं ये, तो काफ़ी सॉफ्ट हैं। बाकी हमारे यहाँ पे इसे डेबरू बोलते हैं लोकल में, और ऐसे हिंदी में गुल्लर बोला जाता है इसे। जो फिग होते हैं उसी का समझिए जुड़वा भाई, तो वो है। बाकी आपके यहाँ पे होती है क्या ये सब्ज़ी? अगर होती है तो आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने इसको सिंपली तड़का लगाया, ये बन गई जी गुल्लर की सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी बनी है, इतनी टेस्टी ना, नेचुरल टेस्ट है इसमें, आपको कुछ मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बल्कि इसमें टमाटर भी ऐड नहीं किए, क्योंकि ठंडी रस्सी की होती है ना ये, और दूसरा कि बॉईल करके तो जो ये जंगली सब्जियाँ होती है ना, तो जो कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है तो वो निकल जाता है। तो जी इतनी टेस्टी, मतलब देख के मन कर रहा है कि पूरी सब्जी खा जाऊँ। क्यों, आपको भी कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है एकदम, साथ में कड़ी है, कड़ी भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देख सकते हो कड़ी भी है, ये कड़ी भी बनी है, धनिया इसने बहुत ज़्यादा डाल दिया है, अच्छा होता है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है धनिया में ना। इसमें ना अगर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डल गया होता ना, तो कसम से आजकल ना गर्मी के मौसम में थोड़ा अमचूर आमला डाल दे इसमें ग्राइंड करके, आमला भी नहीं है वो बालों के लिए छोड़ा हुआ है मैंने ना, और काफ़ी टाइम से उसको सुखाया नहीं है ना मैंने, सुखाने नहीं, सुखा के रखूँगी सुबह ना, करूँगी थोड़ा सा प्याज को, और बाकी इसमें थोड़ा सा नींबू डालता था, बड़ा मज़ा आ जाना था, बहुत टेस्टी बनी है ऐसे, मतलब हरा धनिया डाला मैंने अच्छे अच्छे से ना इसमें, और बस, और प्याज नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं ना वैसे ही, मैं एक्चुअली भूल गई थी बनाती बार ना शूट करना, नॉर्मल मैं प्याज का तड़का लगाया और बाकी थोड़ा थोड़ा इसमें जैसे हल्दी डाली, थोड़ा सा मसाला डाला और कुछ नहीं, और बस इसमें नेचुरली बहुत बढ़िया टेस्ट होता है।